हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज में जो टॉपिक है किचन पे जो स्टील सिंक होने दो चाहे ग्रेनाइट सिंक होने दो, किचन में जो वार्डरोब होता है, किचन का सिंक का नीचे जो ये डोर होता है, यहाँ पे जो लकड़ी का काम सभी होता है, फ्रेंड्स ये क्या है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये किचन का जो नीचे का जो पोजिशन है, देखिए वो लकड़ी किस तरह का सड़ गया है और इस तरह का लीकेज होकर गलीज होता है, स्मेल आता है। फ्रेंड्स ये क्यों होता है, फ्रेंड्स ये जो है किचन का जो सिंक का यूज होने का टाइम पे कहीं पे सिंक होने दो, चाहे वो सिंक जो कपलिंग होने दो, कहाँ कहाँ लीकेज होता है और कैसा है उसका लीकेज को आप सॉल्व कर सकते हो और इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। और चलिए मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ ये सिंक में लीकेज कहाँ कहाँ से होता है और ये किस तरह उसको रिपेयर करते हैं और ये बीमारी से कब कैसे छुटकारा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप ध्यान दीजिए, जो किचन में आपको धोने का टाइम पे सिंक को जब यहाँ से जो होता है, ये जो सिंक का जहाँ से ग्रेनाइट लगा है वो साइड को पहले फॉलो करना है। ये जो साइड है, ये साइड में अगर जहाँ व्हाइट सीमेंट लगा रहता है, अगर व्हाइट सीमेंट चला गया तो उसको तुरंत भरना पड़ेगा। फ्रेंड्स का क्या है ना, यह जो साइड है, ये साइड को क्या होता है, जब भी व्हाइट सीमेंट निकल जाता है उसको तुरंत उसको भरना पड़ेगा। जो ग्रेनाइट प्लस टाइल्स जो कॉर्नर है उसको सिर्फ व्हाइट सीमेंट से पैक करना है, दूसरा कुछ मेटल पेस्ट एमसील कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि जो ग्रेनाइट और वॉल का टाइल्स उसका जो साइड है वो सिर्फ व्हाइट सीमेंट में भरे तो बहुत दिन रहेगा और कुछ लीकेज नहीं होगा। दूसरा ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टील सिंक में क्या होता है, ये देखिए एक सिंक लगा है, ये विदाउट ड्रेन बोर्ड बोले तो खाली बाउल लगा है, इसका साथ ड्रेन बोर्ड अटैच होता है तो यहाँ तक लंबा रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टील सिंक है, हम जब बड़ा बड़ा बर्तन होने दो चाहे कुकर होने दो, आज कुछ वेट सामान जब हम धोते हैं, कभी कभी सिंक में टच होता है और टच होने के जो सिंक के जो वाइब्रेट होने से ये छोड़ देता है, साइड छोड़ देता है। ये एक्चुअली क्या है, सिंक को जब ग्रेनाइट में फिटिंग किया जाता है, ये साइड में मेटल पेस्ट देके फिक्स किया जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये कुछ दिन के बाद यूज होने के बाद जो डड़ंग डड़ंग हम कुछ ना कुछ गिराया और सिंक को थोड़ा ऐसे कुकर वुकर में आवाज़ किया, ये वाइब्रेट होता है जिसकी वजह से ये साइड छोड़ देता है। फ्रेंड्स जब भी आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा सिंक कहाँ बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान से देखने से आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये जो साइड छोड़ देता है उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इसको सभी रिपेयर नहीं करते। रिपेयर अगर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये पानी क्या होता है, सीधा नीचे उतरता है, कंटिन्यू फ्लोर में गिरता रहता है। फ्रेंड्स कभी भी आपको दो चीज़ फॉलो करना है, जो ग्रेनाइट के साथ जो सिंक फिटिंग हुआ है, अगर वो ग्रेनाइट से थोड़ा ऊपर हो गया सिंक आपको, क्योंकि देखो कभी भी ग्रेनाइट से जो स्टील सिंक का जो धार होता है, जो चारों तरफ का सेव होता है, वो ग्रेनाइट से मिनिमम 2 mm से 4 mm या 6 mm तक नीचे रहना चाहिए, क्योंकि जब भी वो अपने यूज करते करते वो धीरे धीरे जब लूज हो जाएगा चारों तरफ, वो ऊपर आना शुरू कर देगा। जब भी आपको ऊपर आ जाता है, मान लीजिए सिंक डाउन में है, कहीं कहीं छूट गया, तुरंत उसको मेटल पेस्ट फिक्स करना है। मैं इसका वीडियो भी लिंक में दे दूंगा, मेटल पेस्ट को कैसे फिक्स करते हैं। मेटल पेस्ट क्या होता है ना, हार्डवेयर शॉप में मिलता है आपको ला करके, उसका एक ऑर्डर रहता है, एक डिब्बा मेटल पेस्ट रहता है और एक ऑर्डर रहता है व्हाइट कलर का रहता है, दोनों को मिक्स करके एक पत्ती ब्लेड में फिनिशिंग करके इसको लगाना पड़ेगा। और मेटल पेस्ट को लगाने का ट्रिक क्या है, वो उसको मिक्स करने का सिर्फ 5 मिनट के अंदर टाइट हो जाएगा, ताकि आपको उतना ही मिक्स करना है जितना आप तुरंत लगा सकते हो, तो इसलिए मेटल पेस्ट एमसील में भी ये काम नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, जब भी मान लीजिए ऐसे ही शेप में है, कहीं कहीं निकल गया, तो उस टाइम में क्या करना है, आपको सिंक को ड्राई करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा ड्राई होने, क्योंकि आप जो एमसील या मेटल पेस्ट डालोगे तो वो पकड़ेगा नहीं अगर गीला रहा, तो उसको पहले सुखाना है, अच्छे से सुखाना कर, अगर सूखने को टाइम नहीं लगता तो हेयर ड्राई थोड़ा मार सकते हैं, जिसकी वजह से ड्राई जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपको चारों तरफ जो शेप है आप उसको लगा सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो किसी भी हमारा प्लम्बर भाई को बोले तो वो आराम से उसको खोल के लगा देगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये सिंक ग्रेनाइट का लेबल में हो चुका है, अगर ये स्टील का जो ये जो स्टील और ये ग्रेनाइट ये दोनों अगर ये ऊपर आ गया फ्रेंड्स, क्या है, सिंक को रीफिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये छोड़ के ऊपर आ गया, उसका ऊपर लगाए तो कभी भी नहीं रुकता है, खाली पीली पैसा वेस्ट है। आपको उस सिंक को पूरा उसको निकालना पड़ेगा, सिंक ऊपर उठा के जो पहले का जो मेटल पेस्ट लगा है उसको ग्राइंडिंग करके निकालना पड़ेगा,
ग्राइंडिंग करके निकाल के, अगर आपका सिंक सेम लेवल में बैठा है, ग्रेनाइट और स्टील का जो है सेम लेवल है, तो आप पहले सिंक को निकालो, उसको ग्राइंडिंग करके 6 mm से थोड़ा नीचे बोलो हाफ ग्रेनाइट कट कर देना है। मान लीजिए आपका ग्रेनाइट 3/4 का ग्रेनाइट है, आधा इंच से थोड़ा कम कट करना है, मिनिमम 10 mm कट किया तो भी चलेगा। कट करके चारों तरफ ग्राइंडिंग करना है, फिर आपको खाली सिंक को ऐसे डाल के देखना है। सिंक जब ग्रेनाइट का नीचे से हो जाएगा, फ्रेंड्स क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों सिंक ग्रेनाइट से नीचे रहना, फ्रेंड्स जब सिंक ग्रेनाइट से नीचे रहेगा, आप जो मेटल पेस्ट डालोगे वो ग्रिप को पकड़ेगा। अगर आपको ये नीचे नहीं रहा, लेबल में रहा, तो ये पकड़ेगा नहीं, इसलिए सिंक ग्रेनाइट से नीचे रहना। तो उस टाइम में आप अच्छे से पैक कर दिया तो वो लीकेज बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स ये स्टील सिंक जहाँ जहाँ पे आप लोग स्टील सिंक, ग्रेनाइट सिंक में तो कोई लीकेज होने का चांस नहीं है, स्टील सिंक खासकर जहाँ पे यूज होता है कुछ दिन के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आता ही है। और इसको आपको ध्यान देना है, इसको छोटा सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल पेस्ट आधा के जी का मेटल पेस्ट चाहिए। अगर खाली कहीं पे चला गया उसको अगर पैक करें तो सिर्फ 300 या 400 में काम खत्म। और दूसरा, अगर सिंक बिल्कुल ऊपर आ चुका है तो उसको ग्राइंडिंग करके फिट करने के लिए 1500 रुपीज़ लगता है, क्योंकि जो भी आएगा ग्राइंडिंग करेगा उसको और साफ करेगा। इसके किचन भी थोड़ा गलीजी होना पड़ता है, आपको भी लोग को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन ग्राइंडिंग करके करें तो 1500 खर्च होता है। फ्रेंड्स अगर ये लीकेज को हम ध्यान नहीं देंगे, ये वुडवर्क में आपको 30,000 तक खर्च हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह का जब सड़ जाएगा, स्मेल होगा, कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि किचन का सभी कुकिंग का सामान है, आप जो भी खाते हो किचन को साफ सफाई रखना बोले तो। देखिए फ्रेंड्स ये किचन है कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरह का किचन हुआ है। अगर इस तरह का किचन में खाना बना के खाए तो इसका जो गलीज है वो कभी भी आके कुछ भी आपका खाना वाना में सभी टच होता है। इसलिए ये देखिए पूरा वुड सड़ गया, अभी इसको सभी चेंज करना पड़ेगा। देखिए किस तरह का है, ये सड़ गया पूरा। और दूसरा चीज़ लीकेज कहाँ से होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो सिंक का जो अंदर जो कपलिंग लगा रहता है, अगर ये कुछ पुराना हो गया, ये सिर्फ आपको 200 रुपीज़ का अच्छा 180 से 200 रुपीज़ का ये कपलिंग आता है, कुछ डिफरेंट लिया तो 450 तक आएगा, लेकिन ये कपलिंग को चेंज कर देना पड़ेगा। चेंज करके उसको अच्छे से थोड़ा सेट कर दिया तो आपको ये नीचे से लीकेज नहीं होगा, यहाँ से जो सिंक से यहाँ पर ड्रिपिंग गिरता रहता है यहाँ से, तो ये वो लीकेज नहीं होगा ये जो आता है यहाँ से। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर कभी कभी आप क्या होता है, ये सिंक का जो पाइप है वो भी लीकेज करता रहता है, तो उसको भी आपको चेक करता रहना। अगर पाइप यूज करने पर यहाँ पानी दिखा तो ये पाइप को बदल देना है, पाइप को चेक करना है। और एक काम क्या होता है, सिंक कभी कभी ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने का टाइम वो कैसे ब्लॉक होता है, आधा ब्लॉक है समझो, आपने यूज किया वो पानी जाता रहता है, जब आप सिंक थोड़ा फुल करके थोड़ा यूज किए पानी डाल दिया वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ फैल के इसको सड़ाता है, वो भी ध्यान रखना है। अगर उसको सिंक का ड्रेनेज अगर कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसको कास्टिक सोडा बोल के सॉल्ट टाइप आता है, हार्डवेयर शॉप में 120 रुपीज़ kg वो ला के रखे तो, खास करके कास्टिक सोडा आपका किचन को ब्लॉक क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसको वही किचन में रख दीजिए 15 दिन या महीने में, थोड़ा अंदर डाल के छोड़ दो रात को, वो पिघल के रहेगा, सुबह यूज करो वो निकल जाएगा। कास्टिक सोडा डालने के बाद तुरंत पानी नहीं डालना है, आपको ऐसे ही डाल के छोड़ देना है, क्योंकि वो जो किचन में खासकर क्या होता है, ऑयल टाइप जाता है, ऑयल टाइप जाके मोटा व्हाइट कलर का बैठ जाता है, पीस पीस हो जाता है, ज़्यादा हो गया तो एक जगह अटक जाता है, इसलिए कास्टिक सोडा उसको क्या है, उसको पिघलाता है। इसलिए कास्टिक सोडा खासकर किचन में काम आता है, ये है इतना ही लीकेज। फ्रेंड्स देखो अगर दूसरा और एक चीज़ क्या होता है, कहीं कहीं ये जो सिंक है, सिंक का भी फॉल्ट रहता है। कभी कभी आपने नोटिस किए होंगे, जब भी आप वाटरप्रूफ खोल के सिंक में ऐसे हाथ घुमाए तो ये आपको पानी टच होगा, तो इसका मतलब सिंक बबुल बना रहा है। अगर सिंक में बबुल बना के ड्रिपिंग हो रहा है तो सिंक को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी ठंडी में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब कोल्ड वाटर आप यूज़ करोगे चारों तरफ बबुल बन के ड्रिप होगा। अगर कभी भी आप थोड़ा सा खोल के देखिए, अगर इसको बबुल बन रहा है ऐसे हाथ फिराओ, अगर इसमें हाथ गीला हो रहा है तो इसका मतलब ये बबुल बना रहा है, तो थोड़ी देर बाद में सभी टच होके ड्रॉप बन जाएगा और गिरेगा, इसलिए वो सिंक को भी बदल देना चाहिए। ये है सिंक का इतना ही लीकेज। फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया सभी, खास करके किचन में ये जो वाटरप्रूफ खराब करता है, किचन स्टील सिंक में हमेशा यूज होता रहता है। अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा रफ यूज हो रहा है तो भी पानी का छींटा यहाँ से आ रहा है, तो आपको ग्रेनाइट वाले को, कोई टाइल्स वाले होने दो, ग्रेनाइट वाले को बोल के यहाँ से एक छोटा सा इतना 1 inch width में एक ग्रेनाइट का बॉर्डर घुमा सकते हो ऐसे ही,
ताकि जो भी पानी गिरेगा सब सिंक में आएगा, बाहर नहीं गिरेगा। फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पे कुछ बर्तन मांजने का टाइम में वो जो पानी जो तो होता है यहाँ पे टच होके डोर पे गिरता है, जिसकी वजह से ये डोर ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स ये क्या है, ये 1.25 इंच ग्रेनाइट लगा है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर मॉडुलर किचन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले उड़ू का बॉक्स बनता है उसका ऊपर ग्रेनाइट रखा जाता है, वो भी पतला ग्रेनाइट 1.5 इंच का, सॉरी 3/4 का, 1 इंच से कम बोले तो 3/4 साइज का आता है। फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, अगर इसी तरह का लीकेज होगा वो वॉल्ड्रूप को, जो लकड़ी आपने वो जो वॉल्ड्रूप बनाया वो बार बार टच होने से वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ग्रेनाइट बैठना शुरू कर देगा, यहाँ साइड साइड में आपको गैप आ जाएगा। और इसलिए अगर आपको हमेशा खास करके किचन में ध्यान देना है, किचन सिंक का आजू बाजू में कहीं भी लीकेज हो रहा है तो उसको तुरंत रेडी कराओ। और दूसरा चीज़ क्या है, स्टील सिंक जो खास करके होता है, क्योंकि मॉडुलर किचन में ज़्यादातर स्टील सिंक ही यूज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है आपको ये सिंक को ध्यान देना है, ये अगर ऊपर आ गया तो ये पानी तो अंदर जाएगा लेकिन आपको गैप नहीं दिखेगा। इसलिए कभी भी सिंक लगाने के टाइम में सिंक का लेवल अगर ग्रेनाइट हो गया तो उसको डाउन करना ही है किसी में बुला के, तो ये लफड़ा ही ख़त्म है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और ये मैं आपको किचन का जो लीकेज का बारे में बताया, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग का साथ नेक्स्ट कंप्लेंट लेके इस तरह का मैं फिर एक वीडियो के में आ जाता हूँ।